तो यहाँ पे अगर आप लोग भी आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करते हो तो जान लो इस ऐप के ये चार खास फीचर्स। तो हेलो एंड वेलकम गाइज, वेलकम टू द चैनल, आई एम प्रो गेमर। सो गाइज, यहाँ पर आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग आरोग्य सेतु ऐप जो कि गवर्नमेंट का ऑफिशियल ऐप है COVID-19 को लेकर के, अगर आप लोग इस ऐप का इस्तेमाल यहाँ पे करते हो तो जान लो इस ऐप के ये चार खास फीचर्स जो कि आपको बहुत काम आने वाले हैं इस ऐप को इस्तेमाल करने में। और यहाँ पर बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं जानते हैं कि इस ऐप का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर कैसे करना है, और बहुत सारे इस ऐप में खास फीचर्स हैं जो कि अभी तक आप सभी लोगों को नहीं पता होंगे। तो आप लोगों को बस करना इतना है कि हमारे इस वीडियो को आपको अंतिम तक आपको देखना है तो आप जान जाओगे इस आरोग्य सेतु ऐप के सारे खास फीचर्स के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं आई एम प्रो गेमर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आप सभी लोगों को ये बोल दूँ कि अगर आपने हमारी इस यूट्यूब चैनल आई एम प्रो गेमर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले ये जो रेड कलर का बटन वाला आइकन आपको दिख रहा है इसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर लो हमारे इस यूट्यूब चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस जो हैं वो डेली आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले जब आप आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल यहाँ पर करोगे और या फिर जब कोई आपका एक नया अपडेट आया होगा उसको आप अपडेट यहाँ पर कर लेना अगर आपका नया अपडेट आया है तो चलिए अब अपने ऐप को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर नंबर वगैरह आपका मांगेगा, जब आपका सबसे पहले ये आपको अपने ऐप पर अकाउंट बनाने को बोलेगा। तो आपको अकाउंट बनाना तो बहुत इजी होता है, आपको नंबर डालना है अपना, फिर वो एक OTP आपके उस नंबर पर भेजेगा मैसेज में, फिर आपको जो अकाउंट है ऑटोमेटिकली वहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद जब आप ऐप को अकाउंट बना करके ओपन यहाँ पर करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर देखने को आएगा। अब बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आता कि ये जो है ये दोस्तों ये ऐप यहाँ पर क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर लिखा है प्रोसीड विथ सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। तो सबसे पहला जो ये इस ऐप का फीचर है वो ये है, जब आप यहाँ पर मान लो कि मैं यहाँ से इसको स्किप यहाँ पर कर देता हूँ, जो ये सेकंड नंबर का ऑप्शन है सेल्फ असेस, जब आप इस पर यहाँ पर करते हो क्लिक तो यहाँ पर आपको आपका मेडिकल टेस्ट होने वाला है आपका, फिर आपको यहाँ पर कर देना है ओके गॉट इट पे, और यहाँ पर आपसे कुछ आपके बॉडी हेल्थ रिलेटेड के बारे में कुछ यहाँ पर कॉमन क्वेश्चन जो हैं वो आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर अभी जैसे कि ऊपर यहाँ पर पूछ रहा है आर यू एक्सपीरियंसिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स, क्या आपको कफ है, फीवर है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग है, और या फिर आपके यहाँ पे कुछ नहीं है। तो मुझे तो यहाँ पे कुछ नहीं है। तो यहाँ से आप यहाँ पर कॉमन अपने हेल्थ के बारे में क्वेश्चंस का आंसर दे करके आप ये पता लगा पाओगे कि आपको जो है वो कोरोना वायरस आपको मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ये इस ऐप का जो है वो सबसे ज़्यादा खास फीचर है, और इसको आप फिर से चाहोगे तो ये आपको फिर से आप इस ऐप को स्टार्ट कर सकते हो। और फिर अंतिम में जो आपको रिजल्ट आएगा उससे ये डिपेंड आपका होगा कि आपको COVID-19 है या नहीं है, यानी कि आप कोरोना पॉजिटिव हो और या फिर आप कोरोना नेगेटिव हो। तो अगर आप यहाँ पर कोरोना मतलब अगर आपको होगा पॉजिटिव होगा अगर आपका कोरोना, तो यहाँ पर जो है मतलब गवर्नमेंट के फीचर के अनुसार आपको अपने आप जो है मेडिकल असेसमेंट आपको आपकी लोकल हेल्थ केयर द्वारा आपको ला करके यहाँ पर दे दिया जाएगा। और अब चलिए यहाँ पर हम जानते हैं इस ऐप के सेकेंड फीचर के बारे में। जब आप इस ऐप के यहाँ पर आओगे इस ऐप के मेन होम पेज पर, तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा जो कि ये COVID-ID अपडेट्स के। तो जब आप इस ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक यहाँ पे आते हो करके तो यहाँ पर आपके इंडिया के सारे स्टेट्स का नाम यहाँ पर शो होगा। तो जैसे कि यहाँ पर महाराष्ट्र में अभी सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है वो मतलब कन्फर्म्ड केसेस हैं कोरोना के, जो कि ये 5218, और उसमें से इतने लोग यहाँ पर रिकवर भी हो चुके हैं, और यहाँ पर डिकेस जो है यानी जो लोग यहाँ पर मर गए हैं उनकी संख्या है यहाँ पर 251। तो केवल इतना ही नहीं, आप यहाँ पर अपने स्टेट के बारे में भी यहाँ पर जानकारी यहाँ से ले सकते हो कि आपके स्टेट में यहाँ पर मतलब कितने लोग कोरोना से पीड़ित हैं, पॉजिटिव कितने लोग हैं, नेगेटिव कितने लोग हैं, और कितने लोग की जो जाने हैं गई हैं, और कितने लोग यहाँ पर बच गए हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप अपना स्टेट यहाँ पर बहुत इजीली खोज सकते हो, जो कि यहाँ पर भारत के सारे राज्य का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर चलिए जानते हैं इस ऐप के थर्ड खास फीचर के बारे में। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है जो कि है ई पास करके, तो यहाँ पर अभी तो ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में इस ऐप में लगभग 5-6 दिनों में एक ऐसा नया अपडेट आने वाला है जिसमें कि यहाँ पर आपका ई पास जो है अवेलेबल हो जाएगा। तो अब चलिए यहाँ पर जान लेते हैं कि इस ई पास में होगा क्या। तो ये ई पास जो है वो आपकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पर कंटेन यहाँ पर करेगा। तो उसमें जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था सेल्फ असेस के बारे में, तो यहाँ पर अगर आपके सेल्फ असेस जो है मतलब टेस्ट में अगर ये प्रूफ हो जाता है कि आप मतलब कोरोना से
पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो, तो यहाँ पर फिर आपका जो ई पास है वो आपको कहेगा कि आप मतलब कोरोना पॉजिटिव हो। और उसके बाद फिर वो आपको जो लोकेशन है, तो ये बात तो आप लोगों को पता होगा ही कि जब भी आप ये चीज़ ऑन करते हो या आरोग्य सेतु ऐप, तो जो आपको लोकेशन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑन हो जाता है। तो ये मतलब इस ऐप का एक खास परमिशन है, यानी कि इस ऐप का एक खास नियम है। जैसे ही इस ऐप को आप ओपन करोगे अपने फ़ोन में, तो यहाँ पर आपको जो लोकेशन वाला ऑप्शन है वो अपने आप यहाँ पर ऑन हो जाएगा। और तो फिर उससे जब ये ई पास अपडेट हो जाएगा इस ऐप में, तो होगा ये कि आपका जो लोकेशन है वो बाकी लोगों को भी शो होगा, और बाकी लोगों का जो लोकेशन है जो कि कोरोना पॉजिटिव है वो आपको भी यहाँ पर शो होगा। तो यहाँ पर इस ई पास का इस्तेमाल जो है वो बहुत इजीली से यहाँ पर आप जो है कर पाओगे। तो चलिए चलते हैं हमारे इस ऐप के आखिरी और ख़ास फीचर के बारे में जानने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा पहला नंबर ऑप्शन है जो कि है योर स्टेटस, तो यहाँ पर जब आप इस पर आते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारे जो यहाँ पे आइडियाज़ यहाँ पे आपको सिखाए जाएंगे कि आप मतलब कोरोना से आप कैसे बच सकते हो, क्या चीज़ आपको जो है वहाँ पर करना चाहिए कि आपको मतलब कोरोना आपको नहीं हो। और अगर मान लो कि आपका जो कोरोना है वो मतलब पॉजिटिव यहाँ पर आ रहा है, तो आप कौन कौन से सिम्टम्स है उसको मिला सकते हो, और या फिर आपको कॉल अगर आपको हेल्पलाइन पे यहाँ पे करना है कॉल, तो यहाँ से भी आप इस ऐप से बहुत इजीली अपने अपने लोकल हेल्थ केयर एरिया में यहाँ से आप कॉल कर सकते हो। तो ये इस ऐप का मतलब कुछ खास फीचर्स हैं। और यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पे सिखाए जाते हैं कि आपको कितने फीट दूर रहना है, आपको वॉश हैंड्स करना है, डोंट शेयर टॉवल एंड यूटेंसिल्स, डोंट हैव विजिटर्स एट होम, मतलब कि आपको यहाँ पे सारे वो चीज़ यहाँ पे सिखाए जाएंगे जो कि आपको कोरोना में आपको नहीं करना है। और यहाँ पर आपको दिखाया रहेगा पीएम नरेंद्र मोदी का मैसेज आप सभी लोगों के लिए। और यहाँ पर आपको रहेगा अगर आपको डोनेट करना है इस ऐप के डेवलपर को, तो बहुत सारे लोग यहाँ से भी करते हैं डोनेट यूजिंग UPI, व्हाट्सएप, जीपे, मतलब आप यहाँ पे कोई भी चीज़ यहाँ पर आप डोनेट यहाँ से कर सकते हो। तो ये था कुछ इस ऐप का, आरोग्य सेतु ऐप का कुछ खास फीचर। तो ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा ये बात आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको आरोग्य सेतु ऐप को इस्तेमाल करने में कहीं भी दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए आप हमें नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी एक नया वीडियो जो है वो आप सभी लोगों के लिए बना दूंगा। सो गाइस, फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ योर्स। और हाँ, अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल आई एम प्रो गेमर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई सबसे पहले आप लोग वहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऑफ आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज बहुत सारे देखने को मिलने वाले हैं। सो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ यू।